आज की वीडियो रीजनिंग से संबंधित आज का प्रश्न है आपके सामने। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राधा को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में सुमन को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए इसको हल करते हैं। हल करने पर ही इसका सही आंसर निकलेगा। अगर चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर आ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, राधा राधा को AHBAR लिखा जाता है, तो सुमन को इसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ठीक, सबसे पहले इसमें क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर राधा है तो इसी में के लेटर जो है इसमें इधर उधर किए गए हैं, तो यहाँ पर राधा को विपरीत क्रम में लिखा गया है, अपोजिट, मतलब राधा ऐसे सीधा लिखा है, ठीक, तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये पीछे से लिखा गया, पीछे से शुरुआत से, तो यहाँ पर ए को ए से मिलाइए, एच को एच से, डी को डी से, और ए को ए से और आर को आर से, उसी तरह इसमें जो है विपरीत क्रम, पीछे से, पीछे से जो है लेटर शुरुआत होगा, एन ए एम यू और एस, यहाँ पर भी अपोजिट, एन ए एम यू और एस, ठीक है, तो यहाँ पर एन ए एम यू एस होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, एन ए एम यू एस, ठीक। तो इस तरह के जब प्रश्न आपको मिले तो आपको देख लेना ध्यान से कि किस तरह से अपोजिट है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें नंबरिंग आपको नहीं करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर दबा दीजिएगा।